नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाक्षी दीक्षित अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। नासा के जो दो अंतरिक्ष यात्री हफ्तों पहले पृथ्वी पर वापस लौट आने चाहिए थे, लेकिन उनके बोइंग स्पेस कैप्सूल में तकनीकी खामी के कारण उनकी वापसी अब तक संभव नहीं हुई है। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अब भी फंसे हुए हैं। हालांकि भरोसा दिलाया गया है कि कंपनी और नासा थ्रस्टर की खराबी को दुरुस्त कर लेंगे और उनकी सुरक्षित घर वापसी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने पेश किए जाने वाले बजट में 2047 तक विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए मध्यम अवधि की योजना पेश कर सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनले ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नाटो के देश से अपना औद्योगिक आधार मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रूस अब रक्षा उत्पादन को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की योजना शुरू की थी। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी लोकायुक्त ने आज सुबह कर्नाटक में कई सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे। एक अधिकारी ने बताया कि लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों और शिकायतों में जुड़े मामलों में छापेमारी की कार्रवाई की है। 9 जिलों में 11 मामलों में जुड़ी छापेमारी की गई है। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर में नारायण साकार हरि बाबा के नाम तक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा के नाम को शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कॉलोनियां बसाने के लिए 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता होगी। लोगों की सुविधाओं के लिए हर सेक्टर में व्यवसायिक केंद्र, स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क आदि होंगे। उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में सख्ती शुरू हो गई है। बाराबंकी व उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी शिक्षकों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहा और उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई। एक्ट्रेस हिना खान इन दोनों बहुत तकलीफ में हैं। एक्ट्रेस 3rd स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही हैं। हिना खान का इलाज चल रहा है और हर कोई उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। इंस्टा स्टोरी में हिना ने लिखा, अल्लाह के सिवा कोई आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। बिग बॉस OTT सीजन 3 में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। इसमें धीरे धीरे अब खिलाड़ियों के बीच दोस्ती दुश्मनी के खेल शुरू हो गए हैं। हाल में इस सीजन का सबसे बड़ा विवाद हुआ था। विशाल पांडे ने कृतिका मलिक की तारीफ की थी, इसके बाद अरमान मलिक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। विशाल पांडे ने कहा था कि उन्हें कृतिका भाभी पसंद है, उन्हें इसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इस कमेंट को लेकर काफी बवाल मचा था। अब इस पर कृतिका मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेटेस्ट एपिसोड में कृतिका ने बताया कि विशाल के कमेंट ने उन्हें घर के अंदर इनसिक्योर कर दिया है। आज शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुआ। बढ़त पर खुलने के कुछ समय बाद बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 79,624 के स्तर, जबकि निफ्टी 64 अंक टूटा, ये 24,260 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।